वेलकम बैक एवरीवन। आज हम फिर से रैंचिंग सिमुलेटर खेल रहे हैं। तो पिछली बार तुम लोगों को याद ही होगा, हम लोगों ने वो मेगा बांध बनाया था, वो देखो। तो तुम लोगों को एक बात बतानी थी मुझे कि मैंने है ना और ग्राइंडिंग की थी इस गेम के अंदर, और मैंने वो जो चट्टान देख रहे हो ना यहाँ पे, अगर तुम लोगों ने इस जगह को पहले देखा होगा ध्यान से, तो बहुत पेड़ थे। मैंने सबको काट लिया और यहाँ पे अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 100 लॉग्स ले आया। उनमें से मैंने अबाउट आधी मैंने यहाँ पे काट के रख लिए इन प्लैंक्स के अंदर। और तुम लोगों को याद ही होगा, मैं अगर पिछली वीडियो देखी मैंने क्यों की है, इसके लिए मैं इन सबको बिल्ड करूँगा। इसके लिए 20 प्लैंक चाहिए, 120 अबाउट आई थिंक मेरे पास इतने हैं यहाँ पे। और फिर मुझे एक है ना यहाँ पे एक फैंस भी बनाना है। मैं तुम लोगों को ब्लू प्रिंट बता के दिखाऊंगा। और हाँ, अच्छी खबर तो तुम लोगों को पता बता ही दूँ, तुम मैं भूल ही गया था। ये देखो हमारा बच्चा निकल आया है, वो छोटा सा हीरा चूजा, वो और भी आ जाए हाथ के अंदर। कमलेश, ये देखो क्या हो गया उसे, अरे हाथ के अंदर घुस गया वो। हाँ भाई हाथ में आ जा, वो आ नहीं पा रहा वो। भाई सुन, तू बनेगा इंजीनियर बड़ा होके, ठीक है ना? मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अगर नहीं बना तो बस एक ही काम हो सकता है, ठीक है ना? तो समझ लो भाई, ठीक है? हाँ चलो, मजे ले रहा है वो, मजे ले भाई जिंदगी के। अभी अभी है ना टफ लाइफ नहीं है, ठीक है? चलो वो अभी बच्चा है, वो है ना क्या कहते हैं, आई थिंक 2 दिन में जितने टाइम उसे हैच होने में लगा उतने टाइम में बड़े हो जाएंगे। तो मैं जो ये सब काम कर रहा था, तो उसके उस सब के बीच के अंदर तुम लोगों को पता ही है कितना फ्यूल लगता है इसके अंदर। इतने सारे पलाए मैंने प्लैंक्स, मेरा ये ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट पूरा का पूरा, मुझे ये भी भर के लाना पड़ेगा। और उन लोगों ने बहुत सारे एग्स दिए। ओ हाँ हाँ, तुम लोगों के बाप बताना तो भूल ही गया, मैंने और चिकन्स खरीद ली हैं। तुम लोगों का भी इमेज दिख रही होगी उन सब की, है ना? तो मैंने है ना इन सब को लेके आया था, ये देखो वाइट और ब्राउन, ये इन सब के अंडे, अंडे भी तो बहुत आ गए हैं। वो देखो मुर्गा सबके ऊपर बैठ गया, वो गर्मी दे रहा है, ये है ना यहाँ पे मजे ले रही है, पॉटी कर दी इनने सब। देखो जमीन पे तक दे रही है अंडे, इतना कम स्पेस हो गया। मैं बास्केट लेके आता हूँ और हम लोग इस सब को सेल करने जाएंगे और अपना फ्यूल भी भरवा के ले आएंगे हम लोग, गाड़ी के अंदर भी और उसके अंदर भी, मतलब सही रहता ना, अप टू डेट रहे। कहाँ पे जा रहा है? पापा के पास जा रहा है वो। चलो इस अंडे को लेते हैं, इसके अंदर रख देते हैं अपन लोग, ठीक है? ये वाला इसके अंदर क्या चुग रहा है क्या वो अंडों को, वो चोंच मार रहा है अंडों को, भाई क्या कर रहा है तू? चलो इसको रख देते हैं अंदर, और दिखाओ भाई ये वाला भी अंदर, देखो चोंच मार रहा है वो, क्या करना चाह रहा है वो। इसको भी अंदर रख देते हैं, खाना पानी तुम लोगों का फुल तो है ना। अरे नहीं यार, मुझे इन लोगों का खाना पानी रखना पड़ेगा। ओ हाँ, जब मैं ग्राइंडिंग कर रहा था ना, मैं इनका खाना पानी भी काफ़ी ले आया था, तो वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी अभी इनके लिए लाता हूँ, मैं देख रहा था इनका पानी, खाना पानी हल्का सा कम हो रहा था ना। चलो इन लोगों को जल्दी से देते हैं। ये देखो ये बोरियाँ ले आया था, मैं 6 लाया था, 2 ऑलरेडी लग चुकी हैं, ये बहुत ज़ोरों से खा रहे हैं। अब तो नए चिकन्स ले आया हूँ ना मैं। चलो ये वाली बोरी ले लेते हैं, इसको भी दे देते हैं इनको। एक दिन के अंदर 2 बोरियाँ खा लेते हैं ये लोग बहुत खतरनाक तरीके से। अरे एक मर गया, ये भूख से मर गया, बताओ यार बेचारा। चलो कुछ अंडे दे के गया, चला गया ये वाला। तो इसको हम लोग बेच के आ जाएंगे, इस वाले चिकन को भी इसको ले लेता हूँ भाई। भाई बच्चे देख मत, ठीक है? हाँ तो वो कहाँ है मेरी है ना कार, इसके अंदर भर देते हैं हम लोग इसे। और सारे अंडे भी ले लेते हैं हम लोग, इनमें से कोई फर्टिलाइज नहीं था तभी मैं हाथ से पिक कर रहा था है ना अलग अलग से। तो अब इसको ले लेते हैं हम लोग, इसको जाके भी कार में रख देते हैं। ओ हाँ, इन लोगों का पानी डालना तो मैं भूल ही गया, पानी भी तो भरना पड़ेगा अभी है ना, खाने की ज़रूरत होती है, पानी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पानी के बिना तो बहुत बेकार मौत मिलती है, खाना फिर भी नहीं, वैसे भी अच्छी नहीं मिलती। चलो है ना ये इसको अंदर डाल देते हैं भाई, पानी ले आओ मेरा। एक तो इसकी मैकेनिक बहुत अजीब, मैं माउस को पूरा का पूरा तुम्हें घुमाना होता है एक्चुअल के अंदर, ऐसा नहीं है वो जो स्क्रोलर होता है उसको स्क्रोल कर लो। चल भी आ जा, आ गई बकेट, चलो अच्छे से, अच्छी बात है, आराम से हो गया मेरा काम। तो अब इसके अंदर डाल देते हैं अपन लोग है ना इन लोगों का पानी, फिर ये लोग मजे ले सकते हैं अपने खाने पानी के साथ। इन लोगों को मैं एक्चुअली 2 बार देखने लगूंगा, अभी एक बार वीडियो करूंगा मैं, कट करूंगा तब भी देख लूंगा मैं। ये लोग बहुत जल्दी पी रहे हैं खाना पानी अपना, देखो मेरी बकेट पूरी की पूरी खत्म कर दी उन लोगों ने। अब और लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ पे इसके अजीब से ना बकेट कंट्रोल के साथ। चलो एटलीस्ट अंदर चली जाती है, बताओ अगर अंदर और बाहर साथ में करना होता ना तो है ना दिमाग खराब हो जाता पूरा का पूरा। ओके मैं यहाँ पे इन लोगों की बकेट तो ले आया हूँ, इन लोगों का खाना पानी तो फुल है भाई, मजे लो तुम लोग, ठीक है ना? ठीक है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक मर गया गलती से। ओ भाई इसका भी कम है, इसको अंदर जाके रख देता हूँ, वहाँ पे घास नहीं खाना, इतना महंगा लाता हूँ मैं तुम लोगों के लिए। और एक अंडा भी दे दिया इन लोगों ने यहाँ पे।
बताओ इन लोगों को पता नहीं क्या, इतना अच्छा मैंने स्पेस बनाया उनके लिए, फिर भी पता नहीं बाहर दिए जा रहे हैं अंडे। कैसा लॉजिक है इनके स्किन है नहीं, दिमाग नहीं होता। चलो इसके अंदर रख देता हूँ और मैं इस सबको बेचने जाऊँगा, मेरी जरी कैन तो है ना। चलो लगाते हैं मैप के ऊपर मार्कर जनरल स्टोर पे, और वहाँ से जनरल स्टोर से, ओ हाँ मैंने है ना जब मैं जा रहा था ना ये सब कर रहा था, मैंने थोड़ी सी हंटिंग भी कर ली थी। तो हंटिंग से क्या होता है तुम लोगों को बताइए, काइंड ऑफ क्विक वे होता है टू गेट मनी। तो मैंने जब मैं हंट कर रहा था मुझे भेड़िए मिले, भेड़िए पहली बार, और है ना उन सब की आवाज़ें आ रही थी ना रात को, तो वो उनसे मुलाकातें हो गई, उनको मार दिया मैंने। फिर मैंने हिरन को मारा, उसकी भी पिक्चर तुम्हें दिख रही होगी तुम लोगों को। और फिर पता नहीं रैंडमली एक भालू आ गया सीधे इस फॉरेस्ट के अंदर। कितने जानवर हैं इस गेम के अंदर, पहले तो देखते थे नहीं, तो चलो अब सारे जानवर तो है ना देख लिए थे तुम लोगों ने, आई थिंक अभी इतने ही और भी ऐड हो जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो फेंस बनाऊँगा ना मैं इन लोगों के लिए पूरा का पूरा ऐसा बना दूंगा, आई थिंक उनके एक डोर से शुरू होगा और फिर है ना दूसरी वाली वो साइड डोर होती है ना वहाँ पे ख़त्म होगा। तो ऐसे करके उसके पूरे के ऊपर वाइट पेंट भी लगाना चाह रहा हूँ, फिर बाद में जाके हम लोग उनके लिए ग्रेनरीज और वो भी ले आएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ अगर है ना क्या कहते हैं मेरे पास इनफ मनी होती है, मैं अगली वीडियो के अंदर भी है ना वो ले आऊँगा पिग्स, तो फिर अंदर उसका यूज़ भी कर पाएंगे हम अपने बान का। वैसे पड़ा पड़ा शोपीस थोड़ी ना, काम भी तो करवाना है उससे अपना। चलो ये जनरल स्टोर के ऊपर सेल कर देता हूँ मैं अपना सामान, ये लो भाई 72.96 नाइस, एक बास्केट नहीं देनी। अब तो इन लोगों से मुझे क्या लेना था। ओके तो मुझे है ना अभी सोच रहा हूँ ये लोग जल्दी जल्दी अपना खाना तो खा रहे हैं, मैं यहाँ पे इन लोगों के बैग ऑफ वीट दो ले लेता हूँ, एक दो 60 डॉलर्स नाइस, थैंक यू फॉर योर परचेस। अब हम लोग जाके अपने है ना बैग ऑफ वीट को रख लेते हैं। फिर मुझे जो मेटल मैंने गिना है कितना चाहिए, मुझे चाहिए 60 मेटल, मतलब है ना, और 10 मेटल आता है 100 रुपये का, तो मतलब मुझे है ना काफ़ी है ना अपना स्पेंड करना। कार के ऊपर रख दिया, बताओ यार इतना एक्साइटमेंट हो रहा है उन लोगों को है ना, हम लोगों का फाइनली सेल हो गया कुछ। चलो भाई ठीक है ये भर गया, अब अगला हमारा स्टॉप है हार्डवेयर स्टोर, हाँ हार्डवेयर स्टोर ना, तो चलो वहाँ पे इग्निशन स्टार्ट करता हूँ मैं अपना और वहाँ पे निकल लेते हैं। तो इन लोगों का जो है ना चिकन है ना हम लोग बना रहे हैं ना पिग्स का मैंने देखा कैसे रेस करते हैं, ठीक है ना, ये सब अगली वीडियो का माल होगा। लेकिन पिग्स का क्या होता है वो हल्के हल्के ग्रो करते हैं जब भी वो खाना खाते हैं ना, मैं यहाँ पे लूप में उनके है ना फिर से है ना ट्रिक हो रहा हूँ, मैं पता था, यहाँ पे टर्न अराउंड कर लेता हूँ भाई। हाँ तो जो पिग्स होते हैं वो जब भी खाते हैं खाना तो हल्के से बड़े हो जाते हैं, फिर वो है ना काफ़ी जब बड़े हो जाते हैं ना पूरे के पूरे, फिर हम लोगों को उन्हें मार देना होता है, ठीक है ना। तो हल्की सी सैड चीज़ है लेकिन फिर भी वो, जैसे फॉर कंपैरिजन मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि जब हम एक नॉर्मल हिरन को मारते हैं ना उससे मिलता है 3 मीट, ठीक है ना, और अगर हम है ना एक है ना उसको मारते हैं पिग को है ना एक फुली ग्रोन को तो उससे मिलता है तुम्हें 26 मीट, ठीक है ना, और भालू से मिलता है तुम्हें 4। तो देख रहे हो कितना खतरनाक चीज़ है यहाँ पे। आई थिंक वो ऐसे कुछ लेते हैं 6-8 डेज है ना टुकड़ो, तो चलो उन लोगों का तो देख लेंगे हम लोग माल है ना, खाना पानी मुझे और एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे लेकिन कुछ दिनों के अंदर मुझे काफ़ी अच्छा रिफंड मिल जाएगा। लेकिन पहले से ही मुझे हल्का सा मनी के लिए करना पड़ेगा। ओ हाँ यहाँ पे तो मैं भूल ही गया, यहाँ पे इन लोगों का पीछे से जाने का रास्ता है, मैं हमेशा तुम लोग को याद होगा यहाँ पे बाहर खड़ी कर देता और ये कर देता, मैं सीधे यहाँ पे से अंदर ले आ सकता हूँ गाड़ी को अपनी, बस यहाँ पे जाके है ना स्टैंड कर देते हैं। अब लेट्स सी है ना क्या कहते हैं हम लोगों का मेटल इसके अंदर पूरा आ जाता है कि नहीं, इन लोगों की ये नहीं ना ये शॉप, देखते हैं। पहले तो मुझे लेना ही 50 मेटल, ठीक है ना, ये हो गया, फिर मुझे लेना ही 10 का, तुम्हारा 600 डॉलर्स का तो माल होगा, काफ़ी महंगा है, हम लोगों के पास काफ़ी कम रुपये रहेंगे लेकिन फिर भी इस सब की ज़रूरत है हमें। फिर आइसोलेटली हम लोग काफ़ी क्लीनली कर पाएंगे ना अपना बार्न के अंदर का सामान। तो ये रहा मेटल हम लोगों का 50, भाई सब कितना मोटा स्टैक है, देखना इसे क्या क्या बन जाएगा इससे। मैं इसके अंदर बैठ गया, गिर गया, इसका मैं ये खोलना चाह रहा था, ये खोल लेते हैं। अब इसको ऐसे वर्टिकली रख सकता हूँ, हाँ इसके ऊपर स्ट्रेट। अब इसके ऊपर मैं एक और ये रख देता हूँ, रुक जा यस हो गया हम लोगों का सामान पूरा का पूरा। अब चलो चलते हैं हम लोग गैस स्टेशन, वहाँ पे अपनी गाड़ी को फ्यूल करवा लेंगे और फिर वो करवा लेंगे, फिर हम लोग चल रहे हैं घर, ठीक है ना, फिर वहाँ पे है ना चिकन तो अपने मज़े से जी रहे हैं और ये सब वो बाकी सब माल कर लेंगे हम लोग। तो चलो पहले है ना यहाँ पे गैस स्टेशन पे निकल लेते हैं। अरे भालू, इसको मार के दिखाता हूँ एक बार तुम लोग। अरे भाई रीलोडेड नहीं है, सॉरी मुझे रीलोड करने दो भाई, गोलियाँ गिरी हुई हैं तुम्हारे ऊपर, ऊह मार रहा है वो खतरनाक तरीके से। ओके भाई साहब मैंने सारा माल वापस कर लिया जो अभी अभी वीडियो के अंदर किया था, ये लोड करके जा रहा हूँ मैं।
भालू अगर दिख जाएगा ना भाई साहब, तुम लोगों को पता नहीं है क्या हो जाएगा उसके साथ। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। अब मुझे चलना गैस स्टेशन, वहाँ पे जाके हम लोग अपना पेट्रोल भरवाएंगे और ये जरी कैन को भरवा देंगे, फिर हम लोग फिर तमीज से वापस घर चले जाएंगे बिना किसी है ना बियर कैन रेट के, ठीक है ना। तो पहले तो ये हिल साइड के थ्रू जाऊँ, ये काफ़ी अच्छी है, इस बंदे ने ये वाला एरिया बहुत अच्छा है रोड का। और मैं ना जैसे ही ना बोल के वैसे ही ना बिल्कुल बहुत अजीब टर्न ले लिया मैंने। ओके सही हो रहा है अब, तो ट्रक जा रहा है मुझे लग रहा है, ये टाउन में नहीं है, ये बस एक वैसा है मतलब है ना रास्ते के बीच के अंदर एक छोटी सी सिविलाइजेशन बना लेते हैं ना लोग, ये विलेज है ये मोर ऑफ। अब मॉडर्न विलेज ऐसे ही होते हैं ना, सारी फैसिलिटीज़ तो होती हैं वहाँ पे, हम लोग इमेजिन करते हैं ऐसे है ना कच्चे घर होते हैं, लेकिन रियली है ना काफ़ी सही होने लगे हैं विलेजेस भी। तो अब मैं फाइनली आऊँ, वो सुपर कार लेके घूम रहा है वहाँ पे, नहीं सुपर कार तो नहीं है फिर भी अच्छी कार है यार, है ना जो भी हमारी चॉइस मिल रही है हमने गेम में यहाँ पे जितनी अवेलेबल है उससे तो बहुत अच्छी है उसकी कार। चलो भाई अब मैं फाइनली लोड कर लूँ अपना, यहाँ पे अटक गया हूँ मैं, हल्का सा आगे आ जाओ भाई कार और पीछे, ओके परफेक्ट यहाँ पे निकल लूँगा ना, ये पिकअप करते हैं अपन लोग अपना। तो तुम लोगों को याद होगा इसके अंदर पुट इन करते हैं और हमारे अब पैसे जाएंगे। ओके लेट्स सी, हम लोगों के पास यार काफ़ी कम है पैसे अभी तो, 200 से ऊपर पे हो जाए यार पूरा, ओ प्लीज़ ना। अरे नहीं बच गया, 200 से ऊपर के ऊपर वो तो हो गया, लेकिन फिर भी अब मुझे उसके अंदर अपनी कार भी तो भरवानी है तो उसके अंदर तो लग ही जाएगा पैसा। इसको लेते हैं, अरे वो हाथ से छूट जाता है यार इन लोगों का, पता नहीं क्यों हाथ से निकल जाता है, फिसल के चला जाता है क्या वो। चलो अब इसके अंदर तो चले जाएंगे 200 से कम। अरे वहाँ पे एक्चुअली काउंट कर रहा है वो कितने उसके दिए है उसने, दिस सेल 58 लीटर्स, 1 लीटर एट 1, ओ कितनी खतरनाक प्राइस है यार इन लोगों की, 1 लीटर तो कितने लीटर भरता हूँ मैं इसके अंदर, कौन से वह है ना बोझ है ना ये उठा रही है इतने सारे लीटरों का है ना तेल ले लेती है, तेल नहीं वो गैस जो भी पेट्रोल होता है ना ये, तो ये गैस स्टेशन है इसका नाम, पेट्रोल पंप क्यों नहीं है, गैस तो भरता है भरते हैं नहीं ये लोग और पेट्रोल देते हैं बस। और एक इन लोगों का टूटा हुआ है एक्चुअल में, देखो उसका क्रैश हो गया, वो लोग है ना दोनों मुझे लग रहा है दोस्त हैं, वो प्रैंक करना चाह रहे थे मेरे ऊपर, हम लोग इधर से निकल जाएंगे हम दोनों ऐसे हो जाएंगे और फिर हम में से एक रुक जाएगा। वो देखो हिरन भागा, बच गया वो, बहुत खतरनाक वाला, मैंने एक वीडियो देखी थी एक बार है ना क्या कहते हैं पता नहीं क्यों हिरन और ये सब बस कार के सामने खड़े हो जाते हैं, तुम लोग देखते होगे कि हंटिंग के जो एक है ना टीवी शो आता है ना उसके अंदर ऐसे चुप चुप से जाते हैं, एक डंडी है ना टूट जाती है उनके पैरों से, ऐसे है ना फुल 200 है ना किलोमीटर की रफ्तार से भागते हैं, लेकिन पूरा ये है ना क्या कहते हैं 200 टन का वेट उनके ऊपर है ना 100 किलोमीटर पर आवर से आ रहा होता है ना, तब ऐसे खड़े होकर देखने लगते हैं तुम्हें। अभी एंड मोमेंट पे भागा है इस वाला, ये वाला हल्का सा इंटेलिजेंट था जो देखा था ना हम लोगों ने। ओके लेट्स सी, मैं रेंज पे आ चुका हूँ। ओ भाई ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। चलो देखते हैं यार ये रोड पे तो हूँ मैं पूरी की पूरी। अरे वो है ना वो, अच्छा मैं वो लूप के अंदर हूँ, मुझे लग रहा था मेरा मार्कर है वो। ओके मैं कंफ्यूज हो गया बहुत गंदा वाला, यहाँ पे देख रहा हूँ रेंज पे आ गया हूँ मैं, चलो यहाँ से निकल लेता हूँ, वो दोनों बहुत सिमिलर है ना ये लूप, भाई साहब हमेशा कंफ्यूज करता रहेगा पूरी ज़िंदगी। उसका और उसका ट्रैक्टर वहाँ पे अटक गया, चलो निकाल लेगा वो डिस्पॉन हो जाएगा, वैसे निकाल तो नहीं पाएगा। इसके अंदर AI जो होता है ना, मैं एक वेट कर रहा था रात के ख़त्म होने का, तुम लोगों ने एक बार याद होगा पिछली वीडियो में पूरा जैम लग गया था, सारे घर अपना इंजन वो खुले थे ऐसे ही, मतलब किसी भी मिनट ये जैम फंस सकता है, लेकिन मैं बस वहाँ पे खड़ा होकर है ना वेट कर रहा था दिन का। तो चलो देखते हैं, अभी कह रहा हूँ यार आज हिरन बहुत आ रहे हैं, जब मैं हंटिंग कर रहा था ना ये बिल्कुल भी स्पॉन नहीं हो रहे थे, बहुत दिमाग ख़राब किए हैं हिरनों ने और भागते इतने जोर से, अभी तो कार के सामने आके खड़ा हो गया था ऑलमोस्ट ये। ओके तो मैं रेंज के ऊपर तो आ चुका हूँ फाइनली, इन बैग्स ऑफ वेट को रखेंगे फिर हम लोग प्लेस करना शुरू करेंगे एक्चुअली हमारा सामान। यार बारिश कितनी तेज हो रही है, चलो यार बारिश तो हो रही है यहाँ पे बहुत खतरनाक, बारिश के बाद काम करूँगा मैं यहाँ पे, तो चलो है ना ये मेटल को जाके रख देता हूँ मैं एक्चुअली यहाँ पे, है ना सही रहेगा ना हम लोगों का रखा हुआ है माल, इन तो स्टैक कर सकते हैं क्या है ना, मैं उसके अंदर ये पकड़ूँगा और फिर है ना उसके अंदर ये आ जाए। चलो देखते हैं, ये 50 out of 50 पूरा भरा हुआ तो है वो, ये 3 स्टैक बन गए, इसको उठा के इसके अंदर साथ में ना नहीं हो सकता। चलो ठीक है हम लोग का माल तो होगा, लेकिन देख रहे हो कितने प्लैंक्स चलाए मैंने यहाँ पे, बारिश के ख़त्म होने का वेट करना चाहिए मुझे, उन चिकन्स के ऊपर देख के आते हैं उन लोगों ने क्या क्या कि कोई मर तो नहीं रहा है ना, देखता हूँ भाई तुम लोगों का माल सही है।
हाँ एक अंडा भी दे दिया उसने, इसको उठाने दो भाई। अरे उसका अंडा है वो, अब करके दिखाओ। ओ मार रही वो आगे स्वाद है ना, डेंजरस है भाई साहब, मदर्स डे की वीडियो हो सकती है ये। चलो इसके अंदर डाल देता हूँ मैं उसे, है ना ये फर्टिलाइज्ड है क्या, मुझे यार याद रखना पड़ेगा इसको तो। वो अभी है ना जब मुझे अटैकिंग मोड से बाहर निकल जाएगी तब आई थिंक मैं है ना जाके रख दूँ। भाई खुश हो गया अब मेरे साथ, यहाँ पे तो है ही नहीं वो, वो भूल गए अपने बच्चे के बारे में इतने में। नहीं चलो यहाँ पे लेते हैं इसको, निकाल लिए, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बस मैं यहाँ पे हल्के से रख दे रहा हूँ। वो बच्चा कहाँ गया वो, है ना वो पता नहीं कहाँ गया। ये वाली वाइट वाली मुर्गी होगी शायद। ओ दिन क्लियर हो गया, यहाँ पे भी एक अंडा है। इसको हटा के देखता हूँ मैं, उठा के देखूँ क्या कोई आ रहा है क्या। नहीं किसी का बच्चा नहीं है ये। चलो इसको इसके अंदर रख देते हैं बास्केट के अंदर अपनी। और चलो चलो है ना हम लोग अब काम करते हैं, अब खतरनाक व्यूज के साथ ना, इतना सब वेट क्यों था, ये जरी कैन भर ली, सब काम हो गया हम लोगों का तो। ओके लेट्स सी, पहले तो मैं अपने प्लैंक्स लगा लेता हूँ, फिर मेटल लगाएं एकदम धमधम ऐसे ना हो जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट। ये रहा प्लैंक का पहला, लेकिन देख रहे हो कितने सारे किए हैं, फिर भी है ना इतनी देर में हो रहा है मेरा काम भाई साहब। बहुत लगते हैं इस गेम के अंदर, जितने मैंने अभी लगाए ना उतने में एक मेडल हो जाता है बांध का, तो इस गेम के स्केल उतने सही नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये सब बन ही रहा है हम लोगों का, मैं हल्का सा और भी है ना प्रोडक्शन करना शुरू कर दूँ भाई, है ना हरकत हो जाएगी ना। इसको टर्न ऑन करते हैं और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ एक्चुअली वुड, प्रोसेस होता रहेगा हम लोगों का और ज़्यादा, है ना क्योंकि प्लैंक्स भी तो बनाने हैं इस सब के बाद। इसको लगा देता हूँ यहाँ पे, चलो दो हो गए, अब हम लोगों को ये वाले बनाने हैं। यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे हल्की सी और ग्राइंडिंग करनी होगी अगली बार, है ना, ताकि क्या कहते हैं मैं ना पूरे के पूरे अपने वो डियर्स हैं, डियर क्या वो पिग्स ले पाऊँ मैं अपने आराम से, है ना। आई थिंक 300-300 के दोनों होते हैं मेल फीमेल, तो उन दोनों को ले लेंगे हम लोग, फिर है ना यहाँ पे है ना ब्रीडिंग होगी और फिर मैं है ना उन दोनों को मारूंगा, फिर उनके बच्चे बढ़ूंगे, ऐसे करके प्रोसेस कर लूंगा मैं पूरी की पूरी। तो ये 6 हो गए आई थिंक, है ना क्या कहते हैं हल्के से प्लैंक्स बच जाएंगे, कुछ फेंसेस भी बना लेंगे इनसे काफ़ी सही, है ना। ये वाला बच गया था ना, ये वाला तो पूरा हो गया है, तो ये वाला लेते हैं अब। यार लेकिन पूरा स्टैक तो ख़त्म हो रहा है मेरा, मैं श्योर नहीं हूँ इसके अंदर पूरा होगा। चलो कोशिश करते हैं, इन सबको उठा लेते हैं एक सेकंड, इसके अंदर एक लॉग और लगा देता हूँ मैं, पूरा काम तो होता रहे ना मतलब हमारा, पूरी मैक्सिमम एफिशिएंसी की ज़रूरत है अभी हमें। बान वैसे भी बहुत महंगा आता है, ये पूरा हो गया, चलो इसके अंदर डाल देते हैं तो फिर और देखते हैं। यार पूरा ख़त्म हो गया, आखिरी रो पे आ गया हूँ मैं तो अपनी। चलो देखते हैं ये वाला, हाँ अब वो है ना 6 के अंदर, एक और स्टैक के अंदर तो हो जाएगा वो। यहाँ पे एक और डंड है ना लकड़ी लगा देते हैं। मैंने पूरा का पूरा पहाड़ है ना झाड़ दिया पूरा, देख रहे हो वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे घर बनाऊँ, काफ़ी अच्छा फ्लैट लैंड है ना वहाँ पे, उसके बीच में वैली सी एक बनी हुई है तो उसका देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे है ना कुछ हैं प्लैंक्स, अरे ये भी हैं, मैं स्टैक से कंप्लीट कर सकता हूँ ना वो वाले, डाल देता हूँ। इनफ है क्या, नहीं 18, उसके अंदर एक और लॉक डाल देते हैं अपन लोग। तो वैसे है ना मैंने इनको देखा, इनका क्या पर्पस होता है, ये क्या होता है, अगर तुम अलग अलग जानवर एक ही बांध के अंदर बनाना चाह रहे हो ना, तो इन इनका यूज़ करते हैं लोग। उससे क्या होता है कि है ना सारे के सारे जानवर आइसोलेटेड होते हैं और आराम से है ना तुम अपना सारा काम कर पाते हो आइसोलेटेड यहाँ पे बीच के अंदर। मैं जैसे यहाँ पे मशीन लगा दूंगा सारी की सारी उनकी, ठीक है ना। तुम्हारे सारे ये तो हो चुके हैं जैसे तुम लोग देख सकते हो। अब चलो अपना मेटल लगाते हैं और इनको फिनिश करते हैं। लकड़ी वाला तो सारा काम ख़त्म हो गया मेरा, इसके अंदर फिर भी है ना फेंसेस के लिए मैं बना के है ना रखना शुरू कर देता हूँ। चलो अब फाइनली इसी का तो इंतज़ार था, एक ये बन गया हम लोगों का। इसके अंदर तो है ना पूरा यहाँ पे है ना दो पिग्स आ जाएंगे यहाँ के अंदर, यहाँ पे रख दूंगा मैं कुछ दिनों के लिए, यहाँ पे है ना बाहर छोड़ देंगे जब तक कोई जानवर नहीं होंगे हम लोगों के। और हम लोग इसके अंदर खाने पीने का भी पूरा का पूरा सामान बना देंगे उन लोगों का। तो चलो ये 50 है ना वाले को डाल देता हूँ, ये और ये हो गया हमारा पूरा बांध का इंटीरियर। तुम लोगों को कैसा लग रहा है ये देख रहे हो, इसके अंदर सारे जानवर भरे होंगे, किसी के अंदर है ना बकरियां भरी होंगी, किसी के अंदर काउस भरी होंगी, किसी के अंदर पिग्स भरे होंगे, बहुत मजा आएंगे ये सब करने में। ओके तो मेरा तो प्लान चल रहा है सारे जानवरों का फूड की भी तो जरूरत होगी, मेरा प्लान है ये सब है ना इनके अंदर एक है ना फूड ट्रो और है ना वाटर, तो इन दोनों जगहों पर लगाऊंगा मैं, ये देखो इन सब के अंदर लग जाएंगे। फिर मेरा प्लान है ये जो आउटर है ना इसका इनर का, मैं एक यहाँ पे लगाऊंगा फूड ट्रो और वाटर थ्रो और यहाँ पे लगा दूंगा। फिर फैंस जो बनाएंगे ना वहाँ पे बाहर भी एक लगा देंगे अबाउट यहाँ का ही हम लोग, ठीक है ना। तो ये तो चल रहा है हम लोगों का सब कुछ सही से। अब है ना इसके अंदर फूड ट्रो और ये सब बना लेता हूँ मैं, पहले पूरा का पूरा हम लोगों का सामान हो जाएगा,
इतने वुड के अंदर आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का वर्क। इसको उठा लेते हैं, इन दोनों का भी स्टैक बना लेता हूँ और कर लेता हूँ मैं। अभी मेरे पास पिक नहीं है, मुझे लग रहा है कहीं हमें फेंस तो बना लेना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे फेंस बना लेना चाहिए। रुको मैं ब्लूप्रिंट देखता हूँ, अपना ब्लूप्रिंट बनाते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, है ना, देखते हैं फेंस डोर। ये काफी इंटरेस्टिंग वर्क होता है ना बिल्डिंग का, तो ये लो तुम्हें भी दिखा दूंगा मैं ये सब। पहले मैं ढूंढ लूँ है ना कहाँ पे, फिर तुम लोगों को दिखाता हूँ। आई थिंक केस वाले टाइम में था ना, अरे वो रहा मैंने मिस ही कर दिया। चलो ओके, तो मेरा प्लान बन रहा था ऐसा कि मैं यहाँ से, अरे यार यहाँ से नहीं हो पा रहा, यहाँ से शुरू करते हैं, है ना। ओके, तो ये जो डोर होगी ना इसके ऊपर मैं फेंस अपने लिए बना रहा हूँ। ये वाली डोर मोस्टली मेरे लिए होगी, तो अगर कभी कभी है ना जानवर अगर मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे ना, मैं यहाँ से अपना एस्केप कर पाऊंगा आराम से। ये वाली डोर तो है ना मेरी मेन एंट्रेंस की डोर नहीं थी, हल्की सी टेढ़ी कर दी है मैंने। एक सेकंड, इसको फिर से करने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ से एकदम प्रॉपरली लगाना है इसको, ताकि हम लोगों का बाद में आके ये परमानेंट रहता है ना। ये भी टेढ़ी है यार। ओके, यहाँ से देखता हूँ मैं, यहाँ से टर्न कर लूँगा मैं। ओके, ये सही लग रही है, हाँ ये परफेक्ट बनी है ना। अब यहाँ से हम लोग एक टर्न मार लेते हैं, ये टर्न हाँ इस तरफ होगी ना। चलो आई थिंक हाँ ऐसे करके सही रहेगा। अब यहाँ पे ये प्लेस क्यों नहीं हो रही, इसको अटैच कर लेता हूँ यहाँ से। अटैच हो जाए भाई, यहाँ पे अटैच क्यों नहीं हो रही है। अरे पिवट उसका वहाँ से नहीं लग रहा है वो, हाँ अभी लग गया था एक सेकंड के लिए ये। अब यहाँ से टर्न कर लूँगा ना मैं, ये टर्न आई थिंक ऐसे सही है। हाँ परफेक्ट है ये, परफेक्ट। ओके, अब है ना यहाँ से मुझे है ना कैरी ऑन करते रहना पड़ेगा इस डायरेक्शन में ऐसे करके। ये यहाँ से हो जाएगा भाई, परफेक्ट है क्या, हाँ परफेक्ट परफेक्ट। यहाँ पे अब मुझे वुड से आगे लेके जाने हैं वो, है ना, ये वुड से आगे हो जाएंगे वो परफेक्ट लेंथ हो जाएगी इसकी। अब मुझे यहाँ पे एक टर्न लेना चाहिए, हाँ हाँ यहाँ पे टर्न हो जाएगा, तो यहाँ पे इन लोगों के पास काफ़ी स्पेस होगा। वहाँ पे मेरी एस्केप डोर है और एंट्रेंस डोर है, बाहर से और अंदर से भी भाग सकता हूँ मैं। और वहाँ पे वो जो डोर होगी ना एक, वहाँ पे पीछे की एक और साइड डोर है, वहाँ से मैं है ना एंट्रेंस है ना एक और है, वो है ना उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा मैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सही रहेगी। और ये फ्रंट डोर तो तुम्हें पता ही है, जानवरों को बाहर है ना ले जाने के लिए। आई डोंट थिंक है ना जानवर इसके जो होते हैं वो छोटी वाली डोर के थ्रू फिट हो जाएंगे, इंसान तो काफ़ी पतले होते हैं ना जानवर इस गेम के अंदर, और है ना रियल में भी वैसे काफ़ी मोटे हो जाते हैं, तो है ना उसके थ्रू फिट नहीं कर पाएंगे। चलो अच्छी बात है, मैं तो निकल सकता हूँ, मेरे लिए एक एस्केप है। पता चला है वहाँ पे बंद हो गए तो बंद ही हो गए, एक ही आधा रास्ता है, घिर लिया पता चला है ना अपने जानवरों ने, फिर है ना मुझे फिर से है ना अपनी सारी प्रोग्रेस करनी पड़ेगी लोड गेम करके। पता चला, अरे कहीं इस गेम के अंदर ऐसा तो नहीं है मतलब पिग्स एक बार में नहीं मर पाए तो हरकत हो जाएगी वो। चलो अब यहाँ पे एक टर्न मार देना है मुझे, ये है ना अटैच हो जा प्लीज़। हाँ हो गया अटैच, अब इसको रोटेट करके आराम से लग जाएगा भाई ये। एक ला के ऐसे करके इसके बीच में से निकाल सकता हूँ क्या मैं, नहीं बीच में से तो नहीं निकल रहा यार इसके। ये हल्का सा आगे हो गया है मेरा ये, और ये विंड मिल हल्की सी प्रॉब्लम दे रहा है। ओके, तो फाइनली अब मैंने पूरा का पूरा इसका पेरीमीटर है ना सॉल्व तो कर दिया है, वो अजीब सा हो रहा था ना, ऑलमोस्ट टू परफेक्शन ले आऊँ मैं इसको। अब मैं सोच रहा हूँ कि है ना इनके एक प्लैंक है ना को डिस्ट्रॉय करके मैं यहाँ पे गेट लगा लूँ, क्योंकि अब भाई साहब अगर पूरा ही प्लैंक हो गया जाएगा मैं एंट्री कैसे करूँगा, बेकार में अपना खुद का एक तोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा एक गेट वहाँ यहाँ पे। अब मैं सोच रहा हूँ एक साइड गेट भी तो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पता चला एस्केप जल्दी से मानना हो मुझे किसी जानवर से रहना तो फिर मैं भाग जाऊँ अपना मज़े से। मैं लग रहा है ये वाला सही है, हाँ ओके। अब यहाँ पे हम लोग गेट बना लेंगे, लग जा भाई गेट। आई थिंक उल्टा लगेगा वो उस वाली साइड से। यहाँ पे है ना पिवट इसका अटैच हो जाएगा कैसे, हाँ ओके हो गया। और हम दोनों के पूरे है ना फेंस तो अब रेडी है, तुम लोगों को पूरा पेरीमीटर मैं घुमा के दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे इतने बहुत बड़े एरिया के अंदर हमारे सारे है ना पिग्स और ये सब जानवर अब घूम पाएंगे जब भी मेरा मूड होगा ना बाहर ले जाने का। बाहर भी एक फुटरो बना लूँगा मैं, लेकिन है ना उसको बाद में कर लेंगे, मैं है ना पहले तो अंदर वाली बना दूंगा। और है ना एक है ना क्या कहते हैं आई थिंक मुझे तीन पेयर्स बनाने हैं फुटरो और वाटर बोल के, है ना क्या कहते हैं, एक तो मैं उनके कंपार्टमेंट में बनाऊँगा, एक मैं अंदर वाला बना दूंगा पहले से ही, और एक मैं अपना बाहर वाला बना दूंगा पहले तो हम लोगों को। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को फेंस बनाना है, ताकि है ना जानवर बाहर भी तो घूम पाए, पहले खाना पानी तो ले लेंगे बाद में आके। चलो है ना अब इसको लगाना शुरू करते हैं हम लोग हल। ओके, तो अब है ना हम लोग लॉक का प्रोडक्शन शुरू करते हैं हम लोग। बताओ मैं हमेशा भाई साहब मेरे साथ प्रॉब्लम है ये
ये है ना, कभी भी मैं टर्न ऑन नहीं करता हूँ, और जब टर्न ऑन होती है तब मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ। चलो तो तुम्हें कुछ लगा के दिखा देते हैं हम लोग, ये लगा। चलो और मैं है ना और लाता हूँ, ये एक स्टैक बच गया था हम लोगों का इस सब से, और मेटल भी हमारा कुछ बचा हुआ है आई थिंक, तो उसका भी है ना हम लोगों को यूज़ ढूंढना पड़ा, वो बन गया। चलो भाई एक और लगा लो, पूरा है ना ऑर्डर से है ना दे रहा हूँ मैं इसे। चलो अब इसके अंदर ये लगा लेते हैं, अब इसका वेट करते हैं। वैसे काफ़ी जल्दी हो रहा है पिछली बार से, फैंस वाला काम मैं क्या कर लूँगा, पहले सारे ये वाले बना दूँगा, फिर डोर वाले बाद में बना लूँगा मैं आराम से। डोर है ना, क्योंकि है ना काफ़ी लगता है ना उसके अंदर, तो इस मेटल का मैं सोच रहा हूँ कहीं जाके रखना पड़ेगा। अभी ये लॉक बन रही है, एक इससे एक बन जाएगा, ओके वो बन गया। इस लॉक को लेते हैं, यार मैंने ज़्यादा ही काट लिए हैं आई थिंक है ना, ये पूरे ख़त्म हो। वैसे हमेशा सही रहता है, इस गेम के अंदर एक आइटम होता है जो लॉक्स को स्टोर कर लेता है, मैं उसका देख लूँगा कैसे करना है। मैं इसको ले आऊँ फ्यूल के कैन को, इसके बिना तो भाई साहब है ना चल तक नहीं पाएगी ये सब, ये हमारा वैसे ही काम कर रहा है। मैं बाद में आके यार एक महंगी वाली ले लूँगा, ये स्लो काम करती है वाली, चीप वाली तो आई थिंक वो काफ़ी फास्टर होती है कंपैरेटिवली उससे। चलो और ये ले लेते हैं, मैं तुम लोगों को है ना काफ़ी सारे प्लैंक्स बना के दिखाता हूँ, फिर सारे हम लोग साथ में लगा लेंगे ठीक है। बताओ ये सब काम कर रहा था मैं, इस सब को करते करते फ्यूल ही ख़त्म हो गया, इतने प्लैंक्स बना लिए मैंने अभी फिर से, और इसके अंदर आई थिंक है ना पूरे भी नहीं होंगे, इसको है ना फ्यूल अप कर देता हूँ मैं जल्दी से भाई, हो जा मुझे अभी बहुत काम करना है अभी तो। अभी आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट अपनी लॉक्स के थ्रू तो हो चुका हूँ मैं, इसको लगा लेते हैं हम लोग। मैं चलो है ना क्या कहते हैं इस स्टैक को बना लेते हैं है ना, यहाँ पे रख देता हूँ अच्छे से, सब कुछ नीट एंड क्लीन रहेगा ना, फिर आराम से सब कुछ कर पाऊँगा। ओके तो फाइनली मेरा काम ख़त्म होने वाला है, कितनी काटी है मैंने आज, और ऑफ वीडियो भी मुझे काफ़ी करना पड़ा इस गेम के लिए काम। भाई साहब इस गेम के अंदर है ना काम तो बहुत होता है, कोई भरोसा नहीं करेगा अगर मैं बताऊँगा ये सब मैंने है ना खुद कर लिया है ये सब। कितने स्टैक हैं इससे आई थिंक पूरा फेंस भी नहीं बनेगा भाई साहब। इन ये जो दो स्टैक देख रहे हो ना तुम, उसके अंदर दोनों डोर बनेंगे, एक तो पता नहीं क्यों है ना डोर के अंदर इतने लगता है जबकि इससे छोटे होते हैं ये। बताओ और बीच में है ना ये दो कटे है ना कटे होते हैं एक्चुअली, तो और कम एक और प्लैंक। चलो मैं इन सबका स्टैक बनाऊंगा और फिर है ना नीट एंड क्लीन बना करके मैं है ना पूरा का पूरा इसके अंदर डालूंगा, ये हमारी आखिरी लॉग। तब तक इन सबके स्टैक बना लेने चाहिए मुझे, ये बन गया, इसको यहाँ पर लगा देते हैं। अब इसको भी है ना बना लेते हैं एक और स्टैक। अबे यार कितने बन रहे हैं मेरे स्टैक्स, यहाँ पे एक और बन गया, ये वाला पूरा नहीं बन पाएगा है, तो ये फाइनल हो गए। तो मैंने सारी लॉक्स तो कर लिया अपनी, अब देखते हैं इससे कितनी होती हैं। चलो है ना लगाना शुरू करता हूँ मैं, तो पहले डोर बाद में कर लूँगा, पहले इनको कर लूँगा। कितने स्टैक्स हैं हमारे पास बताओ है ना, गिन के देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये है ना क्या, और एक 6 मेरे पास है और ये हल्का सा आधा सा स्टैक है ये। चलो यहाँ पे लगा, कितनी है ना लॉक्स काटी है मैंने भाई साहब, इसके अंदर तुम लोगों को पता नहीं है कितना टाइम लगा है इस डोर को मैं। अरे 7 लगते हैं इसके अंदर, ये है ना छोटा वाला लगाया था, एक स्टैक ही तो यहाँ पे गया भाई साहब, कितने लगते हैं उसके अंदर। प्लीज़ हो जाए यार पूरा का पूरा काम आराम से है ना मेरा हो जाएगा, बहुत चैन मिल जाएगा मुझे, फिर हम बस पेंट लाना है इसका और पूरा का पूरा हम लोगों का बांध का तो काम हो जाएगा। अरे रुको रुको यार, सूट ट्रू भी तो बनानी है मुझे इसकी, अरे हाँ वो अलग ही काम है वो तो, इस सब के अंदर मुझे नहीं लगता हो पाएगा। यहाँ पे है ना ये लगाता हूँ। अरे यार अभी भी पूरा नहीं हुआ है, 1, 2, 3 रह गए हमारे फेंसेस, लेकिन है ना मेरे पास अभी है ना काफ़ी है ना टाइम तो है, तो मैं है ना इन पेड़ों को काट लेता हूँ। ये सब करने के बाद मैं एक बार चिकन्स के ऊपर चेकअप कर, और घूम क्यों रही है, घूमर कर रही है वो। चलो मैं इन सबको है ना घूम के बात करने लगा। हाँ तो ये सब करके मैं चिकन्स के ऊपर चेकअप कर लूँगा, खाना पानी तो सही खा रहे हैं ना, अब वो आग लगा दें सिर्फ खाने के अंदर, मुझे लग रहा है फेंक रहे हैं वो हल्का सा खाना, इतने जल्दी कैसे खा सकते हैं वो भाई, दाने खाते हैं वो लिटरल दाने, और मैं कितनी सारी बाल्टी भर का देता हूँ उनको, पूरी बोरी दे देता हूँ एक है ना वो दो, और एक्चुअली 2 बोरियाँ खाते हैं वो एक दिन के अंदर, और आई थिंक उससे भी अब ज़्यादा खाने लगे हैं। मैं अब इतने सारे चिकन जो ले आया हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ मुझे इनसे रिफंड मिल जाए और फिर किसी दिन सेल मिल जाए उसे ना बेस्ट बर्गर के है ना, वहाँ पर कभी कभी क्या होता है ना अलग अलग टाइप्स ऑफ मीट्स के ऊपर है ना सेल लग जाती है, तो मैं जब जाके बेचूंगा ना और लग जाएगा चिकन के ऊपर, मज़ा ही आ जाएगा उस दिन तो भाई साहब। मैं रोज जाके चेक कर लिया करूँगा, अगर आएगी सेल तो फिर है ना सारा का सारा अपना चिकन मीट बचा के रख लूँगा। और हाँ इस गेम के अंदर एक और चीज़ होती है, जब हम पिक्स लेंगे ना इसको तो डेफिनेटली लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा और पैसे मिल सकते हैं हमें,
वो क्या होता है कि उसे बोलते हैं आई थिंक मीट ग्राइंडर है ना, तो वो ग्राइंड कर देता है हमारी मीट को उस, और फिर हमें एक चाहिए होगा पैन, वो नीचे उसके एक पैन रख देता है, वो ग्राइंड करके उसके पैन के अंदर मीट भर देता है, ठीक है ना। फिर जब वो मीट होता है ना, उसको एक और चीज़ होती है सॉसेज स्टफर, ठीक है, उसके अंदर जाके भर देते हैं, तो उससे और है ना सॉसेजेस बन जाती हैं, फिर उसको वो काफ़ी प्राइस के बिकते हैं दोनों प्रोसेस है ना स्टेप पे। तो ये सब करके मैं बेचा करूँगा अपना सारा मीट, सॉसेज की प्रोडक्शन करना शुरू हो जाएंगे हम तो खतरनाक वाली। आई थिंक दो काइंड्स होती हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रिकल जो खुद काम करता है, और एक होता है खुद का मतलब खुद है ना मैनुअल ग्राइंडर, और सॉसेज स्टफर भी ऐसे ही होते हैं। तो है ना मुझे यहाँ तो इलेक्ट्रिकल वाला ले सकता हूँ हल्के से पैसे जमा करके, या फिर वो ले सकता हूँ। मुझे लगता है पहले तो मैनुअली ले लेंगे हम लोग, क्योंकि अभी ज़्यादा पिक्स भी नहीं है ना, जब ज़्यादा ज़रूरत होगी तब मैं है ना ले लूँगा एक नया वाला। तो ये वाली लॉक मैंने लगा दी, अब और कर लेता हूँ मैं। ओके तो मेरा एक स्टैक तो हो गया, इससे आई थिंक वो दो बन जाएंगे, और हम लोगों का आई थिंक फेंसेस का तो काम पूरा हो चुका है। ये कितने अच्छे लगेंगे इनके ऊपर अगर पेंट हो जाए, मज़ा ही आ जाएगा एकदम है ना। वाइट पेंट लगाऊंगा पूरी थीम के साथ, ये सब सेट इन हो जाएगा। मैं अभी अभी क्या करूँगा, पेंट लेके आ जाऊँगा मैं एक्चुअली वाइट पेंट, और इसको पूरा का पूरा पेंट करेंगे, इतना खतरनाक लगे ना। ये देखो हम लोगों का फेंस पूरा बन चुका है फाइनली, कितनी मेहनत लगी इसके अंदर, कितनी लॉग्स लगी भाई साहब, सारी खत्म हो गई, मतलब बिल्कुल साफ कर दिया है सब काम ने। ये देखो ये नीचे से डोर थी, इसके थ्रू है ना मैं अपना एस्केप मारूंगा, ठीक है। तो चलो अब तो हम लोग है ना सारा काम तो हो गया, इन चिकन्स के ऊपर एक बार चेकअप कर लेते हैं। और भाई लोग तुम लोग है ना सही तो चल रहे हो ना, पॉटी कितनी कर रहे हैं, खा भी कितना रहे हैं, ओ एग्स भी दे दिए बहुत सारे, इनको बेच के आ जाएंगे ना हम लोग। हटो भाई सामने से साफ करना है मुझे, वो भी बैठी हुई है नीचे, ये खाना पानी तो सही खा रहे हैं ना, बताओ खाली। और ये भी है ना काफ़ी खाली होने की कवार के पास पास है, उसको देखते हैं, प्लीज़ ये मत खा, बताओ। ये तो अब दिन के अंदर चार बोरियां खाने लगे हैं, मेरी सारी स्टॉक ही ख़त्म हो चुका, कर दिए इन लोगों ने, क्या हो रहा है इन चिकन्स को भाई, पेट तो सही है ना इनका, ज़्यादा जल्दी हजम नहीं हो रहा है इनका भाई, इनको एसिडिटी की दवाइयाँ लाऊँ क्या। इनो लीजिए, इनो झट से आराम दिलाए कुछ ही सेकंड में। ये देखो खाना कम भी हो गया इसको, इसको भूख लग रही है बुक्कड़ को। चलो भाई ये ना इसको यहाँ पे खाना देते हैं, पॉटी कर दी उसने, इतनी मोटी नहीं होती है इन लोगों की, मैंने इतना जान तो मेरे पास भी है चिड़िया। अच्छा हमको सिखा रिया है, ये अलग ही हो रखे हैं ये चिकन हमारे, तो चलो अच्छे है ना खा पी रहे हैं, एग्स भी तो काफी दे रहे हैं। चलो मैं अपनी बास्केट लेता हूँ, या फिर रुको रुको मैं हाथ से देख लेता हूँ है ना, ताकि है ना हम लोगों को पता चल जाए ना कौन सा वो है कौन सा वो है। बोला लेते हैं, अम्मा है क्या कोई, नहीं, चलो है ना एक बास्केट के अंदर रख देते हैं पुटिन, उसको वहीं पे ले आता हूँ मैं, यहाँ पे रख देते हैं। अब चलो लेट्स सी ये वाले को है ना पिकअप करते हैं। ये वाला तुम लोगों को दिख रहा है, इस वाले के अंदर एक्चुअली है ना ये वो वाला है फर्टिलाइज वाला, क्योंकि वो स्ट्रेट खड़ा किया है इसने, ये जब अंडे देती है ना नेचुरली, इसने यहाँ पे दे दिया तब वो वैसा हो जाता है, मतलब सीधा जब मैं रखता हूँ। ओके इसको रख देते हैं, कोई नहीं आ रहा। चलो ये देखो ये आई खाना खाने, ये भूखी ये आई, अब ये खाएगी यहाँ पे बैठ के, नहीं खा रही वो, नहीं आप खाएगी ना, वो क्या करना चाह रही है वो। चलो इसको पुटन कर देता हूँ, मर जाएगी अगर खाएगी नहीं, मैं उसको बंद कर देता हूँ खाने के साथ। चलो वो है ना वैसे तो खा लेगी ना, ओ भाई व्हाट आर यू डूइंग, एक सेकंड इसको देख लेता हूँ मैं। भाई ये देखो एक चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट, उसे बोलते हैं खाना, ठीक है ना, इसको पूरा रोटेट करके यहाँ पे मुंह डाल देता हूँ उसका। आप खाई, हाँ देखो खा रही है, चलो चलो भाई मजे लो तुम लोग है ना, कि है ना सही तो चल रहा है ना। और मुर्गा कब भाग गया वो, नहीं भाई अंदर रहो, अब रात हो रही है ठीक है ना, तुम लोगों के लिए काफ़ी डेंजरस होगा ये सब काम करना। चलो भाई अंदर रहो, सारे मजे रहे हैं अपने साथ में यार, खाना भी लाना पड़ेगा इन सब का साथ में, काफ़ी पैसे लग रहे हैं हम लोगों के ये सब काम में। मैं तो सोच रहा हूँ ग्रेनरी भी बना दूंगा मैं बाद, अरे ये दो बोरियाँ तो लाया हूँ मैं, ये आधे दिन और चला लेंगी। लेकिन ऐसा करो यार मैं ले आऊँगा दो बोरियाँ तो काफ़ी रहेंगी ना, चार एट हैंड रहेंगी, मतलब एक दिन का तो खाना रहे भाई साहब, अगर एक दिन का भी नहीं रहा तो हरकत नहीं हो जाएगी। इन लोगों का पानी भर देता हूँ मैं एक्चुअली, चलो लेके जाते हैं। इन लोगों ने ये सब बी भी खाली कर दी है, बाल्टी कितना पी रहे हैं वो, मतलब मुझे लग रहा है आई थिंक बाल्टी हल्की सी भरी हुई थी जब मैंने रखी थी, उन लोगों ने है ना बाल्टी में से पानी डाल लिया मुँह डाल के एकदम। सोच रहे हो पिक्चर कर रहे हो, मतलब मुर्गे ने ऊपर आया उल्टा होके है ना बाल्टी से लिया और वापस निकल गया। चलो इसको ले लेता हूँ मैं। ओके तो मैंने यहाँ पे ये वाली बाल्टी तो फिल कर दी है इन लोगों की। ओके भाई कोई बाहर नहीं आना, इलीगल है बाहर आना, ठीक है ना, उसको इमीडिएटली शूट डाउन कर दिया जाएगा अगर कोई भी दिखेगा, ठीक है ना। और ये हो गया, चलो भाई मजे, खाना पानी पूरा फिल कर दिया। अगर अब कोई मरा ना भाई साहब, एक गोली उसके अंदर एक और है ना दागी जाएगी, ठीक है ना।
तो ये तुम लोगों की पनिशमेंट अगर कोई मर गया अंदर बैठे बैठे खाने के साथ। ठीक है समरिया। बहुत स्टूपिड थे पिछले वाले चिकन्स तो। चलो अच्छा हुआ मैंने उनको सेल पे भी नहीं बेचा, मतलब एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लिए उनके तो मैंने। चलो अब देखते हम लोगों को जाना था हार्डवेयर स्टोर है ना, वहाँ पे जाके हम लोगों को पेंट लेना है। आई थिंक 40 का आता है, मैं दो कैंस ले लूँगा, 80 रुपये की आ जाएगी हम लोगों की। और फिर हम अरे रुको यार रुको भाई, गाड़ी रुक जा, धुआं छोड़ रही है देखो, स्टाइल मार रही है। मैं बास्केट तो ले आऊँ, इससे हल्के से पैसे ही मिल जाएंगे। मैं बेस्ट बर्गर के ऊपर बेस से आ जाऊँगा, अगर सेल लग जाएगी हम बहुत ही लक्की होंगे। चलो है ना, इसके अंदर रख देते हैं हम लोग हमारा सामान, अब मैं निकल लेता हूँ वहाँ पे। अरे रुको यार, अभी तो टाइम देख रहे हो तुम लोग, रात होने वाली है। अरे हाँ, तभी तो मैं सोच रहा था इतना कालापन क्यों हो रहा है। मैं यार इस सबको सुबह कर लेता हूँ यहाँ पे, तब तक इस मशीन को ऑफ कर देता हूँ और है ना यहाँ के काम कर लेता हूँ। सारा चिकन का काम कर दिया। अरे हाँ यार, मैंने चूज़ा नहीं देखा, चूज़े को एक सेकंड ढूंढ लूँ मैं। चूज़ा मर तो नहीं गया भाई, या फिर वो शायद बड़ा हो गया होगा। हाँ हाँ, एक दिन वैसे मुझे बीत गया था ये सब हंटिंग और ये सब करने में, तो वो चूज़ा भी बड़ा हो गया होगा आई थिंक। क्या है वो मुर्गा तो नहीं आ गया एक और? और वो देखो वो अभी तक है ना मर रही है वो खाने के चक्कर। वो देखो बाहर जाने की पड़ी है, अरे खाना खा ले यार, मर जाएगी। अगर इसने नहीं खाया ना भाई साहब क्या हो जाएगा इसके। ये रहा मुर्गा देखो, स्टाइल मार रहा है वो, उधर मुंह कर लिया देखो, चला गया वो नीचे, जा रहा है वो। हाँ खाना खाने आई है, खाओ। एक सेकंड कितना खा लिया मैं, 6 खा भी लिया इतना बड़ा पीस। चलो मैं इनके कूप से निकल लूँ, मैं मुर्गा नहीं हूँ, पनिशमेंट नहीं दी है टीचर ने, तो चलो चलते हैं। मैं वेट करता हूँ दिन होने का, फिर तुम लोगों को दिखाऊंगा मैं। ओके गाइस, मैं है ना ज़मीन के नीचे स्पॉन हुआ हूँ और मुझे है ना जल्दी से अपना काम करना है। अब दिन हो चुका है, मेरे अंदर फ्रेश होप है हम लोग सारा काम करेंगे। उछलते जा रहा हूँ मैं तो भाई। चिकन तुमले से कोई मरा तो नहीं ना? नहीं, एक और गोली पड़ जाएगी अगर मरा। ठीक है तो चलो अपना देखते हैं, हम लोग है ना पेंट लेने जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो मैंने अपना सारा एग्स तो इसके अंदर भर लिए थे, हमें जाना होगा बेस्ट बर्गर के ऊपर चले जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे है ना हार्डवेयर स्टोर के ऊपर, रास्ते में ही पड़ती है ना दोनों चीज़ें, तो ऐसे करके हम दोनों पे चलेंगे। ओके अब खुला है ना इंजन, मैं वही सोच रहा था इंजन तो खोल दिया, पीछे हो रही है गाड़ी हल्की सी। चलो अब है ना यहाँ पे है ना निकल लेते हैं अपन लोग अपने मज़े से। यार मैंने काफ़ी अपग्रेड कर लिया अपनी रेंज, शुरू शुरू में याद है ये थी पूरे खंडहर से थे। मैंने रियल में भी ऐसे कुछ देखे हैं, जो कोई डेड सी बिल्डिंग होती है ना रैंडमली सिटी के बीच में, बहुत गंदी लगती है वो। मतलब है ना मैंने एक बिल्डिंग देखी थी पूरी की पूरी डेड सी थी वो, वहाँ पे आई थिंक कोई भी नहीं आ रहा था और पूरी की पूरी काली थी विंडोज़ है ना। ओके तो मैं बेस्ट बर्गर के पास तो आ चुका हूँ भाई लोग, तुम लोग है ना मेरा माल ले लोगे सही प्राइस में आज, अजंडों की प्लीज़ सेल लगा देना, सेल का उल्टा जो भी होता है। ओके भाई मिल्क रूस्टर मीट, नहीं रूस्टर मीट तो नहीं दूंगा मैंने, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, रूस्टर मीट दे दूँ तुम लोग को, हटो $30 के देंगे। चलो है ना ठीक है ना, एक एक के मैंने आई थिंक 5 अंडे थे ना, 5 अंडे। ओके तो अब हमें जाना है हार्डवेयर स्टोर, यहाँ से मैं अबाउट 2 पेंट कैन ले लूँगा, एक है ना पेंट कैन से 20 भर जाते हैं, तो फिर है ना तो हम लोग 2 ले लेंगे, उससे है ना हमारे पास 40 फेंसेस तो कर लेंगे हम लोग। आई थिंक हमारे पास अबाउट 30 फेंसेस होंगे ऐसे कुछ। और मुझे है ना क्या कहते हैं अपने वो जो येलो वाला है ना वो हल्का सा ठीक नहीं लग रहा, उसको भी हल्का सा रिपेयर कर लेंगे उसके साथ आई थिंक। तो चलो यहाँ पे है ना मैं पीछे से कार ले आता हूँ, ये देखो इस ट्रक वाले को भी अभी आना था, और वो भालू दिख जाए ना मुझे भाई साहब, दुश्मनी हो गई है मुझे भालुओं से इस गेम के अंदर, मार दी मुझे, इतनी प्रोग्रेस करवाई, वो क्या बैठा हुआ है वहाँ पे। चलो मैं अब यहाँ पे कलर मशीन को देखते हैं हम लोग, मैं एक अच्छा सा कलर पिक कर लूँगा। ये देख रहे हो तुम लोग, ये सब फोटोशॉप का पीछे का बैकग्राउंड से लगा रखा है, यहाँ पे मैं कलर चूज़ कर सकता हूँ, मैं है ना कलर चूज़ करके तुम लोगों को दिखा दूँ कौन सा लिया है। ओके तो मैंने ये वाला कलर चूज़ किया, ये वाला काफ़ी अच्छा शेड है वाइट का, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा है पेंट कैन फॉर $40, हम लोगों को 2 लेनी है, एक थैंक यू फॉर योर परचेज। रुको उठा लेता हूँ मैं, इन लोगों के पास बस एक ही स्लॉट होता है, और वो देखो पीछे कितने पेंट कैन रखे हैं उन लोगों के पास ऑलरेडी। ये हमारे वाइट पेंट कैन, इसको है ना अपनी कार के अंदर जाके लगा देते हैं हम लोग इसे। अब हमें लानी है दूसरी वाली, आई थिंक वो है ना ऐसी एक ऑप्शन होता है, वो सारे के सारे कलर जो मेरे होते हैं ना उनको मैं वापस अपलोड कर सकता हूँ, तो मैं जैसे इसके अंदर वापस है, अभी तो पड़ा हुआ है ये कलर, बाय कर लेते हैं फिर से। चलो हमारा काम तो हो गया इस पेंट कैन का, और यहाँ पे देते हैं ना ये लोग, मैं सोच रहा हूँ 2 कैसे देते होंगे, शायद है ना तुम निकाल दो फिर से एक और आ जाता है और फिर अंदर प्लेस नहीं कर पाता ना उसके, आई थिंक ऐसे ही होता होगा। हाँ काफ़ी सिंपल सिस्टम है। चलो इसको बंद कर लेते हैं टेल को तो इसकी, और नाउ लेट्स सी, हम लोगों को बस अपनी रेंज पे जाना है और फिर वहाँ पे जाके पेंट करेंगे। तुम लोग सोच रहे हो कितना अच्छा लगेगा कलर, मैंने इसकी पूरी ब्राइटनेस नहीं की क्योंकि पूरी ब्राइटनेस तो हल्का सा अजीब लगता है ना,
रियल में पेंट हुआ ऐसे हो ही नहीं सकता, तो हल्का सा अनरियलिस्टिक लगेगा गेम के हिसाब से, तो है ना। अब मुझे हार्डवेयर स्टोर के अंदर तो कोई लूप नहीं है ना, मैं इसी रास्ते से आता हूँ हमेशा। यहाँ पर टर्न मार लेता हूँ मैं फॉरेस्ट के अंदर, कारों से बहुत डेंजरस होता है। अरे यार मैं पेड़ के ऊपर क्यों ठोके जा रहा हूँ। ओके अब मैं है ना नाइसली अब निकल सकता हूँ। हाँ चलो अब आराम से राइट साइड के ऊपर चलेंगे, अगर कोई सामने आ जाएगा ओवरटेक करके निकल लेंगे, बस ये मेरा प्लान। और मैं आराम से निकल लूँ भाई, कुछ करेगा तो नहीं। नहीं चलो अच्छा बंदा था वो, अच्छा बंदा था, हम लोगों को हरकत नहीं रहा। और देखो हिरन है, मारने का मूड हो रहा है। आ गया सामने, मैं बोल रहा था ये ऐसे ही होते हैं अजीब से, इनको परवाह नहीं होती जिंदगी की। वो देखो कार के पास घूमे जा रहा है, जब मैं हंटिंग कर रहा था तो वैसे भाग रहा था वहाँ पे दूसरे एंड ऑफ द मैप पे चले गए थे ये। तो जिनके वो सींग होते हैं ना वो मेल वाले, वो बहुत तेज भागते हैं खतरनाक तरीके से, और मुश्किल तो ये दो गोली से मरते हैं वो, मतलब एक मार दी वो बस ऐसी आवाज़ निकाल ले और नहीं मरेगा वो, भागता रहेगा वो आराम से। तो बहुत गंदी हरकत है, मेरी खुद की रोड ने मुझे धोखा दे दिया, बताओ यार। ओके तो मैं पेंट कैन तो यहाँ पर ले आया हूँ, अब देखते हैं इसको पेंट करके कैसा लगता है। इस बांध के ऊपर नहीं करूँगा लेकिन फेंस के ऊपर करूँगा, तो चलो शुरू से ही स्टार्ट करते हैं ना, है ना, देखते हैं कैसा रिएक्ट करता है ये लाइट के साथ। ओ बहुत अच्छा कलर चूज़ किया यार इस बार तो हम लोगों ने, देख रहे हो कितना नाइस लग रहा है इसके ऊपर। चलो पूरे पे लगाना शुरू करते हैं, एक है ना 3, 4, 5, 6 ये पूरी साइड हो गई, ये बहुत अच्छा लगा, देखो कम्प्लीटली मैच कर रहा है वो वाले कलर से ये, तो हमारा बांध तो बहुत खतरनाक लगेगा। अब इसको पेंट कर देते हैं ये आई थिंक इस पेंट गन के अंदर हो जाएगा क्या, मेरे कितने बचे हैं इसके रीफिल। चलो भागते भागते लगाते हैं एकदम से। अरे नहीं हाँ अच्छा हुआ मैं दो ले आया, इसलिए है ना क्या कहते हैं रिस्क नहीं लेने होते। बस $40 की है यार, बताओ कितना है ना, हाँ वो करेंगे हेजिटेशन। चलो अब ये और इसके ऊपर तो पेंट भी नहीं हो सकता बांध के ऊपर। चलो अभी है ना आखिरी वाला ये, अब इसको पेंट कैन को तुम लोगों को रख के दिखाता हूँ उसको, है ना। इस वाले को भी आई थिंक मैं कूप ही कर सकता हूँ ये वाले को। ओके तो मैं सोच रहा हूँ इसके पूरे में लगा सकता हूँ क्या, मैं मेरे पास इतने आई थिंक हैं, मैं सामने तो लगा लेता हूँ एटलीस्ट, है ना। मुझे है ना येलो है ना हल्का सा अजीब लग रहा था ऑल्ट्रेशन के साथ, तो चलो इनको कर लेते हैं हम लोग ये वाला और ये वाला। अब चलो अंदर से है ना वो वाली साइड को कवर कर लेंगे। इसके अंदर कितने बचे देखता हूँ, एक बचा है यार। चलो हमारे ये तो हो गए और ये वाला, चलो मैं और वाइट कैन ले आके कर लूँगा, और इसके अंदर भी मैं ऑल्ट्रेशन डाल सकता हूँ। ये जो विंडो देख रहे हो ना इसका अलग हो सकता है, इस दरवाजे का भी अलग होता है, और ये भी होते हैं, तो बाद में आके हम सारे टेस्टिंग वेस्टिंग कर लेंगे। लेकिन अब हमारे फेंसेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, देख रहे हो। अब हमारे बांध को देखो, ये देखो गाइस कितना खतरनाक लग रहा है। अब तो पूरा रेडी है ये, इसके अंदर बस खाने की स्टॉल लगाओ रेडी, अब इसके अंदर जानवर ले आएंगे। मैं सोच रहा हूँ हम लोग अभी सबसे पहले पिग्स लाएंगे, क्योंकि वो का है ना सब इसके चिकन्स के बाद सबसे सस्ते जानवर हैं, और वो काफ़ी प्रॉफिटेबल भी होते हैं, तो बहुत पैसे लाएंगे। इस बांध को बंद कर देते हैं, अंदर से दिखा देता हूँ तुम लोगों को एक बार, ये भी तो होता है पूरा का पूरा। इसको अंदर शायद पेंट कर सकते हैं, इसके अंदर करूँगा नहीं, ये ऐसे ही मुझे अच्छा लग रहा है अभी। तो ये सब हो जाएगा हम लोगों का, तो अगली वीडियो के अंदर मैं पिग्स लाऊँगा तुम लोगों को ला के दिखाएंगे। तो चलो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही, गुड बाय।